मैक्रोनी बन गई मेरी, अब ये ना खाऊंगा, फिर थोड़ी देर लेटूंगा। ये देखो ये मर्द बन गए, ये मूछ रख के। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और व्लॉग की शुरुआत 6:30 बजे घर से, अभी मतलब ब्राइटली नहीं हुआ, बस सीधा जाना मेरे को लाल कुआ, ताऊ जी घर जा रहा हूँ, पहले से निकाल लूँ बाहर, जुकाम हो गया है, सर का दर्द था तो बता ही रहा था, उनकी तबीयत खराब है ही है, अब नॉर्मल लग रहा है, मैंने दवाई रात खा के सो रहा था, पर यहाँ का पेन बंद नहीं हो रहा सर का, पता नहीं खाऊ, मैं पहली बार जिंदगी में सर दर्द हुआ, तो बाहर निकाल के मिलते हैं। सुबह सुबह रुका मचाते हुए जाएंगे रोड पे, जो नहीं उठे होंगे उनको उठा देंगे, जय माता दी। यार सुबह सुबह तो ये बहुत ही रोल मचाते हैं, मैं 5 बजे भी जिम स्टार्ट करूँगा जाना सुबह, तो कैसे होगा कि बाहर रोड पर धकेल के ले जो स्टार्ट करनी पड़ेगी है। देखियो फुल बेस आ रहा फुल। सो गाइस कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है, बाइक तो बस सामान ही ना ले जा सकते हम, ये दिक्कत है, रखे कहाँ इसे। अब बज रहे हैं 6:55, मेरी बाइक का टाइम गलत है, देखता हूँ मैं ताऊ जी घर कितनी देर में पहुँचूंगा, जाऊँगा मंदा ही तेज ना जाऊँ, पहले पेट्रोल भी डलवाना इसमें, चलते हैं। अरे रुक जा दोड़ो। क्या है क्या है, क्या हो गया, गया तुझे, ढंग से बैठ तो सही, ठीक बैठ, इसके पंजे तो चुभ रहे हैं भाई, ना फट कर दोड़ो। नोनो नहीं आ रही, नोनो आटा मांग रही है हमारी। बस अच्छा पिटाई बहुत हो जाएगी तेरी, नोनो यहाँ आओ, देखिए ना मेरे पैर ना छोड़, जूते का क्या करें तुम, बहुत जब तो ही वापसी आया हमारे घर से, 10 मिनट लगाई ना, 10 मिनट बस, नोनो आओ इधर आओ, अर्नब वेयर, अर्नब नहीं दिख रहा मुझे, उठा मैं तेरे धो रहा हूँ, है भाई सो के नहीं उठता तू, नमस्ते कौन करेगा, उठ जा सब। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने आईपी में, और भैया को जॉब जाना था, सबको मुझे भी जाना है, हाँ 2-3 जगह, तो टाइम से गया, टाइम से आ गया, ट्रैफिक नहीं मिला बिल्कुल भी, हम मिलते हैं घर, मैंने यहाँ आके रोकी थी बस, क्योंकि माउंट में नहीं लगा रहा मैं इस फ़ोन को, क्योंकि इस फ़ोन का वेट ज़्यादा है, वो माउंट से गिरा तो वैसे ही दोनों फ़ोन गिरे थे, ये वैसे पीछे से चटका पड़ा है और चटक के बेकार हो जाएगा। मिलते हैं घर, बालों की हालत ख़राब हो रही होगी मुँह की, क्योंकि मैं सिर्फ मुँह हाथ धो के गया था वहाँ पर ट्रैकिंग करके, और कुछ नहीं, मिलते हैं। तो गाइस फाइनली घर पहुँच चुके हैं, नहाते धोते हैं, मैं छुट्टी करने वाला था बट अभी ऑफिस का मेरा एक ज़रूरी काम है वो कंप्लीट करना है, तो कल कर लेंगे, कल चले जाएंगे हम, मेरे को गाज़ियाबाद में बहुत ज़रूरी अर्जेंट काम है मेरा भी खुद का, बट मैं ऑफ नहीं ले पा रहा 3 दिन से, अब ना धो लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे ऑफिस जाते टाइम। व्लॉग आने वाला है 9:05 पर, तो देखते रहना। सो गाइस मैं निकल चुका हूँ ऑफिस के लिए, नहा धो लिए, आज काफ़ी गर्मी है तो बस जो मेरे पास नॉर्मल जैकेट है बाहर के लिए जिसमें गर्मी नहीं लगती और धूल मिट्टी भी नहीं जाएगी, तो वही पहनेंगे। मेरे पे यार कैमरे का सेटअप करना नहीं आ रहा, कैमरा वगैरह सब लगा लिया मैंने हेलमेट में, पर माइक फिट करना नहीं आ रहा कि कैसे करूँ क्या होएगा, कोई यहाँ पर बंदा भी नहीं है ऐसा जो व्लॉगिंग वगैरह करता हो जिससे मैं पूछ लूँ कुछ, मैं माइक लगा के देख रहा यार लग ही नहीं रहा, वो तो घूम मतलब ऐसे बिखरा पड़ा, उनके हेलमेट में एकदम फिक्स रहते हैं, टेप से चिपकाना पड़ेगा, पता नहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, आज शाम को आकर वही करते हैं सबसे पहले। सो गाइस फाइनली अपना ऑफिस खत्म, आज मैं पूरे दिन कहीं नहीं गया, मैं ऑफिस में अपना काम कर रहा था, अपनी शीट वगैरह बनाई सारी, ओ भैया पर मुझे यार व्लॉगिंग का सेटअप मतलब यार माइक लगाना है आज घर जाके फ्लैट पर बैठ के, जो माइक सेट करना ही करना है मुझे अपने हेलमेट में, क्योंकि कैमरा लग जाएगा ना एक बार को तो फिर उसे
लाने में दिक्कत नहीं होगी, फिर यहाँ सेट करो निकालो, सब चीज़ का सेटअप है, पर वही मुझसे करना नहीं आ रहा यार। किसी को पता हो कैसे होगा तो मुझे बता दो, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देख ली, कोई भी माइक नहीं बता रहा कैसे लगेगा हेलमेट में, और वायर वाला आया उसके साथ कैमरे के साथ ही खुद ही। तो देखते हैं, अब चलते हैं घर, शायद नोएडा जाऊँ मैं शायद अभी, तो जो होगा दिखाते हैं। भाई ये रोड खोद रखा है यू हकीकत में, अब इस पर मिट्टी हटाने नहीं आ रही है लेबर, वो सब चीज़ ओके हो चुकी है, पानी वगैरह करके नहीं आ रहा कोई भी, अब बड़े मुश्किल, और इतनी धूल उड़ती है बस फंस जाती है बेचारी, चोरी होती हैं ओटे वाले, होश नहीं लेते, इधर से बाढ़ उधर से बाढ़, पुलिस वालों सामने खड़ा था यार, मेरा फोन छीन जाता है, चलान करता इसलिए नीचे कर लिया था ये। मैं आया हूँ पेट्रोल पंप पे, अभी इसकी सुई ख़राब हो चुकी है, फुल दिखा रही है, उसमें तेल नहीं है बिल्कुल भी। ये लड़ाई हो गई है दीदी की, अंकल जी लड़ रहे हैं कि मेरी सुई में तेल ना आया। पहुँच चुके हैं इंद्रपुरम, सूरज ढल चुका है, 6 बज चुके हैं, बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है, और अभी जाके मेरे को सेटअप करना है अपने, अभी मतलब थोड़ी देर जाके तो आराम ही करूँगा यार, कुछ खाऊँगा, मम्मी से बनवाते हैं पास्ता, बढ़िया टेस्टी का बनाती है मम्मी, बहुत बढ़िया पास्ता बनवाऊँगा, फिर थोड़ी देर लेट के फिर इधर कनेक्ट करने की, मतलब शायद हेलमेट यार अंदर से शायद फाड़ना ना पड़े, बस बाइक के साथ मिला था 5,500 का, तो पैसे कटवाए हैं तो गंदा लगता है बहुत ज़्यादा, है ना। पहुंच चुके हैं घर, जे गाड़ी देखी देखी लग रही है, जे गाड़ी वही है जिसमें हम फर्स्ट टाइम मनाली गए थे, फर्स्ट टाइम ब्लॉग डाला था, ये बैठा डॉक्टर बिहारी अंगाले। ठीक है, मैक्रोनी बन गई मेरी, अब ये ना खाऊंगा, फिर थोड़ी देर लेटूंगा, गर्मी लग रही है यार, देखो पंखा चला दिया मैंने, ये ठंडी भी हो जाएगी थोड़ी थोड़ी, अब मिलते हैं खाना खाने के, मतलब इन्हें खाने के बाद। सो गाइस, मैंने मैक्रोनी खा ली, बड़ी टेस्टी बना रखी थी, और मैं समझ लो ये पूरी खा गया मैं, जितनी थाली भर रही थी मेरी मतलब प्लेट, और अब बड़ा लेटा हूँ आराम से, अभी एक दो बच्चे ऊपर आएंगे जब हेलमेट लेके ऊपर जाऊँगा, और फिर देखते हैं माइक लगता है कि नहीं लगता है हमसे, क्योंकि मैंने उस दिन कोशिश करी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, एक भी वीडियो नहीं मिल रही है यूट्यूब पर, मिली ना रही जो कि ये बता दे कि माइक कैसे फिट करना है अंदर हेलमेट में, कैमरे से कनेक्शन दिखा रहे हैं कि कैमरे में ऐसे फिट होगा ऐसे होगा, वो तो हमें पता वहाँ पर दिया हुआ है पॉइंट माइक का लगाने का, पर ये नहीं पता चल रहा कि जो माइक का वायर है वो अंदर कहाँ लगाया जाएगा, जो बाहर की आवाज़ ना आए बस हमारी आए, और बाइक की थोड़ी बहुत, बाइक की तो वैसे इतनी ज़्यादा हो रही आ ही जाएगी अपने आप उसमें, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस मैं खा के लेट गया था, पर खा के लेटना चाहिए तो बेकार है, और मुझे आने के बाद पता चला है कि अंकित, विशाल, अर्जुन भैया सब गए हैं, सालोसर बालाजी और एक जगह और गए हैं खाटू श्याम, ये दिन में निकल गए, मुझे पता नहीं चला अब तक स्टोरी वगैरह किसी ने डाली भी नहीं, राम 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 राम। सो बढ़िया है, घूमने गए हैं, हम भी जाएंगे, पहले मेरे को देखो 16 तारीख को मथुरा जाते हैं, बनता है प्रोग्राम तो ठीक लगेगा, तब जाएंगे। लबू इधर परेशान मत करिए बेटा, उसके अभी पैर में लग गई थी चोट गेट की वजह से, और कैमरा मेरा बैग में था, वो बैग मेरा लेके गया हुआ है अंकित, जो पतला सा आता है वो, तो उसे ज़रूरत थी, वो आगे वाली चैन में रखा था, वो बैग की ज़रूरत थी, ले गया कैमरा साथ में, मैंने ढूंढ लिया अंदर मिला नहीं, लबू मेरा कैमरा ले गया अंकित, वो पता नहीं, अब तो पिटाई करियो उसकी जब आएगा, ठीक है। अंकित भैया नहीं, एक पतला सा अंकित आता है, और अंकित भैया नहीं ले गए, दिखाऊंगा तो गाइस आपको भी दिखा देंगे, आप तो जानती हो, वैसे नहीं जानते हो तो दिखा देंगे। मैं जा रहा हूँ अंदर, मेरे को घूमा भी नहीं जा रहा, मेरे बैठा अंदर, मेरे यहाँ का दर्द बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है। हाँ, मैंने इसका टीका लगा दिया। टीका लगा दिया? ओहो अच्छी बात है, इसके मेहंदी से लगाएंगे टीका, परमानेंट, वो परमानेंट टीका हो जाता है फिर, ठीक है।
चलो गाइस मिलते हैं, कैमरा इधर और क्या बनाए, फ्लैट व्लैट पाएंगे कोई? हाँ बेटा पता क्यों लगा था इनको? हाँ इसको कुछ हो ना जाए वापस से, पहले इसको आपको पता है ना इसके कीड़े लग गए तो बहुत ज्यादा। हाँ 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 इसलिए ही लगाते हैं। अब लगा देकर अब नहीं होएगा, हनुमान जी का है ना। ठीक है, बाय बाय।